हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, कि हेज़ल है ना, गुस्सा होती है, गुस्सा होकर सीधा रूम में जाती है। हेज़ल प्लीज़ 2 मिनट दे दो प्लीज़, फिर अपन किचन में चलेंगे चाय बनाने पापा की। ओके, बस आई, आप चलो किचन में, चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। देखो ऐसे नाराज होती है, तो इसीलिए मैं शूट भी कैसे करूँ। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ किचन में, किचन में मैं पापा के लिए चाय बनाऊंगी। अरे यार इधर चलो, आ जाओ किचन में, चलो कम आ जाओ आ जाओ। पा 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 बे बे बे, अब तो बस हमेशा ऐसे करते रहते हो मम्मी के साथ। हाँ तो गाइस किचन का मेरे को ज़्यादा कुछ काम नहीं है, थोड़े से बर्तन है क्योंकि भैया क्या खाना वगैरह खा के घर से अभी छोटी सी है, आपसे बात नहीं करूंगी क्योंकि आप बहुत रोते हो। मी 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 करके सुबह थोड़े से बर्तन पड़े क्योंकि भाई साहब आए थे दोपहर में, तो फिर उन्होंने भी खाना वगैरह खाया था, तो वो बर्तन हो गया। फिर ऋषभ और हेज़ल भी रहते हैं घर पे, तो थोड़े वैसे भी हो जाते हैं बच्चों के, तो वो क्लीन करने। फिर उसके बाद में मैं और हेज़ल के पापा थोड़ा सा बाहर जाके आएंगे, और तो कुछ नहीं। ब्लॉग के साथ आप बने रहे, जब तो मैं चाय बना लेती हूँ, हेज़ल को भी संभाल लेती हूँ। देखो तो मेरी बेटी को तो इधर मुझे इसको यहाँ खड़ी कर देती हूँ, और फिर मैं अपना चाय वगैरह बनाती हूँ क्योंकि हो रहा है। तो मैं क्या हेज़ल के पापा के साथ थोड़ा बाहर जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चाय बना देती हूँ। टाइम हो रहा है 4:30। अच्छा नहीं करो, टूट जाएगा बिब्बा। अच्छा बैठ जाओ, इसको कर लो। तो मैं सोचा चाय बना के फिर ही चल जाती हूँ, और थोड़े से बर्तन भी क्लीन करके चल जाती हूँ। और आप स्किप किए बिना पूरा व्लॉग देखिए, और अपना प्यार यूँ ही देते रहे। तो कहाँ जा रहे हैं वो आपको व्लॉग के जरिए आगे पता चल जाएगा। और मेरी छोटी मम्मी ने ऐसी कुछ डिज़ाइन बनाई थी, आप देख सकते हो। मैं कैसे दिखाऊं आपको, बड़ी अच्छी है। मैंने यहाँ पेंट कर ली क्योंकि लूज हो रहा था। तो चलो गाइस मैं फटाक से चाय बना देती हूँ। अपने बिट्टू, ये ताता है बिट्टू, इसमें हाथ नहीं डालना है, ये ताता बहुत है। अरे अरे मेरा कैमरा, अब लो अब कर लो, आपको व्लॉगिंग करनी। अरे वाह, हाय हाय करो, हाय हाय कर ली, बस इतनी करनी है। हाय कर दो। वाह आप तो व्लॉगिंग भी करने लग गई है, गुड गर्ल। लग जाएगी ना आपकी हेज़ल, दादू की चाय और ये आपकी माँ की चाय। चले चाय, चलो गाइस। तो मैं अब ये सर्व कर देती हूँ। हेज़ल बहुत क्यूट लग रहे हो आप तो, चले आप चले अपन, ये चलते। शूज का आपके, शूज का है, शूज लेके आओ, चलो शूज लेके आओ। कहाँ है शूज? ये रे, एक और का है इधर, एक और का है, ये रहा एक और, आपके हाथ नहीं आएगा, टेबल पे पड़ा है। ये रहा एक और, पहन लो आप, आपको आता है पहनना? हेज़ल को तो आता है। ओ माय गॉड, वाव। मैं पहना दूँ? लो मैं पहना दूँ। हेज़ल तो बहुत क्यूट लग रहे हो। हेज़ल खड़े हो जाओ, दादू को दिखा के आओ अपनी ड्रेस, जाओ बोलो मैंने पूरी ड्रेस पहन ली। दादू दादू को दिखा के आओ, कैसे लग रहे हो आप? हाँ लो बैग तो ले लो, अपना बैग ले लो, मैं स्टॉल लेके आ रही हूँ अपना। हेज़ल कहाँ जा रहे हो बेटा? ये गाड़ी तो यहाँ है, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? सामने तो देखो मामा की तरफ। अंकल को बाय बाय कर दो, आज तो गार्ड अंकल है ही नहीं, किसको बाय करोगे? हाँ आज तो गार्ड अंकल है ही नहीं। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, आना मत, चलो इधर आओ, यहाँ खड़े हो जाओ। वो रे गार्ड अंकल दिख गए, वो रे उधर दिखिए सर,
आपको बोल रही हूँ, हाउ है इधर। क्यूटी पाई रीजन, ये कहाँ जा रहे हैं हम? स्कूल। अरे वाह, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं पकड़ मार लू। लेकिन एजर के पापा तो एजर की बहुत टेंशन करते हैं। एजर गाइस देखिए, हमारी एजल को बहुत मजा आ रहा है आज तो स्कूटी राइड के ऊपर। बहुत मजा आ रहा है एजल को तो। कैसे चिपक ले अपने पापा की। क्यूटी पाई एजल, अब तो बहुत फास्ट भागते हो। हाँ, अब तो बहुत फास्ट भागने लग गए आजकल। चलो चलो चलो, गुड गर्ल, गुड गर्ल। इसका मुंह तो दिखाओ, इसका मुंह तो दिखाओ। डरा रही आप लोग। थैंक यू। सो गाइस, छोटी सी हमारी जो शॉपिंग थी वो हो गई है और अब हम चल रहे हैं। हेजल के पापा हमें कुछ खिलाने वाले हैं, तो हेजल के पापा से पूछ लिया जाता है क्या खिलाओगे। इनको तो अपनी बेटी से प्यार करने में फुर्सत नहीं मिलती। खाओगे, जूस पियोगे? अरे मुझसे तो पूछा करो यार अर्जुन, आजकल आप बहुत चेंज हो गए हेजल की होने के बाद। हाँ, आप बताओ क्या खाओगे? कभी नहीं पूछते हो आप मेरे से, आजकल बदल गए मेरे पति जब से हेजल हुई है। आप पकड़ो इसको, बैठो पीछे, मैं चलाऊंगी। चलो जूस पियेंगे हेजल गर्मी में। इन बच्चों को देख के जिद की मुझे भी बलून चाहिए, तो इस के पापा बलून लेने गए हैं, दिख रहे होंगे आपको। हाँ ला रहे पापा, बोरे आप खाओ। पापा आ गए, बलून ले आए आपका। वाओ, उसका रिएक्शन तो देखा ही नहीं। उधर कहाँ जा रहे हो आप? तो बलून मिलते हैं, अब तो वो हो गए। लो खा लो उसको, कंप्लीट करो इशल। अनार और पपीता शेक। ओए मोटू, वाह वाह इशल, वाह। आपकी जलेबी तो फिनिश करो। तो गाइस हेजल को है ना जलेबी बहुत पसंद है। हेजल अपनी जलेबी फिनिश करो बेटा, गिर जाएगा, नहीं भूलना पापा, मामा। वाह गाइस, हेजल के पापा ने मंगवाया अपने लिए अनार और मैंने मंगाया पपीता शेक, क्योंकि मेरा बचपन से फेवरेट है। हाँ, अरे कहीं शॉपिंग करके लाए हो क्या हेजल? आप हेजल शॉपिंग करके लाए हो क्या? आप इतनी सारी शॉपिंग करके लाए हो क्या? ये तो मम्मा की शॉपिंग है, ये तो मम्मा की शॉपिंग है हेजल। अरे बाबा रे, हाँ ये तो मम्मा की शॉपिंग है हेजल। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर पे और पीछे बैकग्राउंड से आपको दिख रहा होगा शाम हो चुकी है और टाइम हो गया खाना बनाने का। तो बस जस्ट मैं और हेजल के पापा आए हैं घर पे और
अब चलेंगे किचन में क्योंकि चपाती वगैरह बनानी है, खाना वगैरह बनाना है। बर्तन वगैरह मैं करके गई थी इसलिए कुछ ज़्यादा लोड नहीं है किचन में, सिर्फ रोटी रोटी बनानी है क्योंकि शाम की सब्जी मम्मी बनाते हैं। मतलब क्योंकि पापा क्या शाम की, और मतलब शाम की ऑलमोस्ट मम्मी बनाती है क्योंकि पापा बोलते कि मम्मी ही बनाएगी शाम की, तो शाम की सब्जी मम्मी बनाती है। और हमारी मम्मी जो सब्जी बनाते हैं ना एक नंबर बनाते हैं, सबको उन्हीं का टेस्ट अच्छा लगता है। इस वजह से मोस्टली जो सब्जियां बनती हैं वो मम्मी बनाती है, जब मम्मी नहीं होती तब मैं बनाती हूँ, नहीं तो मोस्टली सब्जियां मम्मी बनाती है। तो शॉपिंग करने गए थे मैं और मेरे हस्बैंड, थोड़ी सी मेरे लिए कुछ मतलब हल्का फुल्का यू नो थोड़ी सी गर्ल शॉपिंग थी, बस वही हम लोग करके आए। वैसे हेज़ल, हेज़ल आपको तो स्कूटी पे भी बैठना आता है ना, हेज़ल आपको स्कूटी पे बैठना आता है ना, बताओ बताओ आपको। गुड मॉर्निंग, और जैसे कि आपको पता है मेरी मॉर्निंग इवनिंग सारी किचन में निकलती है और मैं बेडरूम से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड किचन में करती हूँ। तो सुबह हो गई है और चाय वगैरह पी लिया है मैंने, दूध लिया, मम्मी पापा को चाय दी, हेज़ल ने भी थोड़ा दूध चाय लिया, इतना खास चाय दूध पीती नहीं है, कभी कभी जब मूड होता है तो पी लेती है। बाकी अब मेरा जो काम है वो पट्टी और क्लीन करना और बर्तन क्लीन करना है जो कि मैं अब करूँगी। और ये जो मम्मी ने चोटी बनाई थी इसके बाल मतलब निकल रहे हैं आधे इधर से आधे इधर से, और कल बहुत ही ब्यूटीफुल चोटी बनाई थी मम्मी ने। पता है आपको मेरे हस्बैंड के साथ गई थी तो मम्मी के सामने तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, वैसे बाइक पे बोलते हैं पंजाबन लग रही हो एकदम पंजाबन बीबी, तो मैंने बोला थैंक्स। तो बोलते हैं कि ऐसे ही बनाए करो जिसमें तुम ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो पता है उनका क्या होता है कि मैं कुछ नई चीज़ करती हूँ तो उनको सारी अच्छी लगती है। हस्बैंड क्या है आज तक का रिकॉर्ड है, कभी उन्होंने मुझे चाहे मैं कैसी दिख रही हूँ उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि आप इसमें अच्छी नहीं लगती। तो बस वही है कि कभी उनको ऐसा यू नो चाहे मैं लोअर में रहूं चाहे मैं टी शर्ट्स में रहूं चाहे मैं राजपूती ड्रेस में रहूं, हाँ बस ये वो कमेंट कर देते हैं कि इसमें तुम ज़्यादा अच्छी लग रही हो, इसमें तुम ज़्यादा अच्छी लग रही हो, बट कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं तुम इसमें गंदी लग रही हो या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा तुम पे, उन्होंने वैसे मुझे पॉजिटिव कमेंट्स ही किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो झूठ ही बोलते हो, मैं पूछती हूँ नहीं तुम सच बताओ कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, तो वो बोलते नहीं नहीं अच्छी लग रही हो, बहुत सुंदर छोटी बनाई। मेरी मम्मी को ये सब कुछ भी आता है क्या? मम्मी के सामने तो बोला नहीं, बोले बाहर जाके। मैंने बोला तुम्हारी मम्मी को सब कुछ आता है बेटा, वो बोलते मेरी मम्मी को इतना सब कुछ आता है। मैंने बोला हाँ देख लो। तो मैंने बोला कभी किसी ने उनको अपने हेयर्स पे एक्सपेरिमेंट करने ही नहीं दिया, तो मैंने बोला कि कल मैंने करवाया अपने हेयर पे एक्सपेरिमेंट और टच वुड्स बहुत ही सुंदर मम्मी ने चोटी बनाई थी। खैर अभी तो बिखर गए क्योंकि रात को सोए थे और फिर कल दोपहर में बनाई थी तो चोटी मैंने इसलिए। चलो गाइस अपनी नींद उड़ाओ और लगो काम पे। तो आप तो व्लॉग के साथ बने रहे क्योंकि मैं व्लॉग एंड नहीं कर रही हूँ, अभी मैं बर्तन क्लीन करूँगी। और हाँ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। पता है पहले मेरे हस्बैंड व्लॉग्स में आना मतलब इतना खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन अभी भी नहीं करते, लेकिन अब क्या है धीरे धीरे मैं उनको बोलती भी हूँ और मतलब यू नो चुपके से कैप्चर भी कर लेती हूँ। तो कभी कभी जब उनका मूड होता है तब तो वो ठीक है कर लेते हैं, कभी कभी जब मूड नहीं होता तब नहीं आते तो नहीं आते फिर। तो चलो गाइज, और मेरा ये जो मंगलसूत्र है इसका जो एक डायमंड है ना वो निकल गया कल, तो आज मैं तनिष्क भी जाऊँगी और तनिष्क से लिया था ये मैंने, तो मतलब अभी वारंटी पीरियड में है तो उनको बोलूँगी कि भाई ये निकल गया तो वो वापस को ठीक करके देंगे। तो गाइज ये मंगलसूत्र मेरा फेवरेट है और चाय मैं मम्मी के साथ जाऊँगी। चलो अभी तो किचन में काम पे लगती हूँ, नहीं तो अभी हेज़ल को भी ब्रेकफास्ट करवाना है मुझे बर्तन क्लीन करके। चलो बाय।
गाइस, सो गाइस देखिए हेज़ल ने क्या मेरे रूम का कबाड़ा कर रखा है। उस टोकरी में से सारे कपड़े निकाल निकाल के गिरा दिए इधर। तो मैं अब मेरे बेडरूम को भी क्लीन करने वाली हूँ। सो गाइस मैंने अपने बेडरूम को भी क्लीन कर दिया, आप देख सकते हो। उधर हमारे हेज़ल वो फिर कपड़ों के साथ लगना चाहती है। चलो इसको रजनी यहाँ रखूँगी, बाकी मेरा पूरा कमरा मैंने क्लीन कर दिया है। चलो चलो बाहर। सो गाइस हेज़ल का ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट डन है, बस इसमें हरा धनिया इंक्लूड करना है मुझे। और इधर हमारा बच्चा प्यारा क्यूट सा। और लास्ट टाइम एक कमेंट आया था मेरे पास, मतलब पिछली व्लॉग में, कि चीज़ा हेज़ल को ना यहाँ मत बैठाया करो। बट गाइस क्या करूँ, इसको कोई रखने वाला नहीं है तो इसको यहीं बैठाना पड़ता है। हाँ हाँ बस लो दे दो, लो मम्मा को दे दो। और बाकी ये फिर मेरे बिना रहती नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको ये सब प्लेट्स वगैरह दे देती हूँ, तो ये खेलती रहती है। इधर मैं इस एरिया में नहीं आने देती उसको, जब इधर बैठाऊंगी तो मैं ये गैस यूज़ करती हूँ और ये गैस यूज़ करती हूँ तो मैं इसको इधर बैठा। गाइस मैंने हेज़ल को ब्रेकफास्ट करवा दिया है और अभी मैं जा रही हूँ, क्या बाल वगैरह भी नहीं बनाया मैंने, कुछ भी नहीं करा, और जस्ट अभी ऐसे ही निकल रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर के पास उनका जो टाइमिंग होता है 9 से 12 है, संडे है ना, इसलिए वरना वो शाम को ही मिलते हैं। हमारे फैमिली डॉक्टर है बिट्टू, नहीं तो मैं सो हेज़ल को मैं नहीं ला के फिर लेके जाऊँगी, और मैं जाऊँगी स्कूटी के ऊपर हेज़ल को, ऐसे वो टेम्प्रेरी सा आगे यूँ बैठा के, बहुत ऐसा रिस्क लेके मैं हेज़ल को लेके जाती हूँ। कोई बात नहीं, हेज़ल को है ना मैं बहुत रिस्क लेके जाती हूँ, उसके पापा भी बहुत मना करते हैं, बट क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो सारे जो रिस्क के काम होते हैं मैं हेज़ल के साथ ही करती हूँ। तो क्योंकि मैं डॉक्टर के पास इसलिए लेके जा रही हूँ उसको, कि मैं जब कोटा गई थी तो मैंने उसको डायपर पहनाया था, तो हेज़ल को पता नहीं क्यों डायपर सूट नहीं होता है, तो उसकी इधर से ना रशेज़ हो गए यहाँ कमर में, तो वो ऐसे ही खुजलाती रहती है। तो मैंने सोचा कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। हाँ बिट्टू आ रही हूँ मैं, वहीं आ रही हूँ, क्या हो गया? अभी नहाने का टाइम हो गया, लो नहाने का टाइम हो गया, तो खुद ही बाथरूम में चली गई है, तो मैं इसको नहलाती हूँ। और हाँ मम्मी और भाभी से गए हैं ऋषभ जो हाँ बिट्टू लो, तो लो मम्मी क्या है भाभी साहब के साथ गए हुए हैं ऋषभ की ड्रेसिंग करवाने। चलो गाइस मैं हेज़ल को मिला के लेके जाती हूँ, क्योंकि टाइमिंग होने वाला है। चलो मैं मिलती हूँ, आप व्लॉग के साथ बने रहिए। गाइस टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं सुबह के, मतलब दोपहर के, और इधर मैंने हेज़ल को नहला दिया। चलो डॉक्टर के पास चलो, लेट्स गो। क्या तो गाइस मैं हेज़ल को ऐसे लेके जाती हूँ स्कूटी पे, हालांकि इसके पापा बहुत मना करते हैं कि बहुत रिस्की है, लेकिन क्या करें गाइस। और धूप आप देख ही सकते हो कितनी भयंकर हो रही है। चलेंगे हेज़ल? चलो गाइस मैं मिलती हूँ आपको डॉक्टर के पास जाके, तगड़ी धूप हो रही है। हेज़ल को तो मैंने नहला दिया लेकिन चुप जा। चलो हेज़ल सो गाइस आई एम बैक, और मैंने ले लिया शावर और हेज़ल को मैंने नहला के सुला दिया है। हालांकि मैंने उसे कुछ खिलाया नहीं क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था, तो उसने कुछ खाया नहीं, वो ऐसे ही सो गई है। सुबह ब्रेकफास्ट करवाया था बस, फिर वो नहा धो के फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई, फिर ऐसे एक दो बाइट खिलाए थे मैंने, बट नहीं वो रोने ही लग गई थी सोने के लिए, तो अभी वो जब सोई है और मैं कर लूँ पट्टी क्लीन। किचन का काम ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, बस बर्तन क्लीन करने रहे। पट्टी मैंने क्लीन कर दी है, अब बस बर्तन रहे। पहले मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खा लूँ
पहले मैं खुद अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में सारे जो बर्तन होंगे एक साथ ही क्लीन कर दूँगी। और इस हाथ में मैंने चूड़ी इसलिए नहीं पहन रखी क्योंकि इसमें मैं वॉच पहनने वाली हूँ, तो अभी मैंने खोल रखी है क्योंकि गीले हाथ लगते हैं और मतलब ख़राब हो जाए, मैं आटा वगैरह लगाती हूँ, इस वजह से मैं खोल देती हूँ। मैं अपनी राबड़ी और छाछ ले लेती हूँ। 3 बज रहे दोपहर के और हमारी मैडम उठ गई है, उठते ही बस शैतानी करने में लग गई। और आज का जो व्लॉग है वो मैं यही एंड करती हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, हैव अ गुड डे, बाय।